आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डेकी स्टाइल खड़े मसाले की स्टू रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होता है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। इधर हमने एक प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है, उसमें हमने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है, जिस तेल में बनाना चाहें आप उस तेल में बना सकती हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और कुछ हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें हमने जीरा लिया है, मिर्च लिया, 4 लौंग, 1 छोटी इलायची, 2 चीनी और 1 टुकड़ा जावित्री का लिया है। डाल के हमें अच्छे से जो है इसको मसाले तड़क जाएंगे हमारे, तब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमें उतनी लेनी है जितना हमारा गोश्त रहेगा, उसकी हम आधी प्याज लेंगे। यहाँ पे हमने 500 ग्राम गोश्त लिया है तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम हमें प्याज डालना है। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको हमें चलाते हुए सॉफ्ट होने तक की इसको पका लेना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा कलर बदलने तक की नहीं पकाना है, बस इसको हमें सॉफ्ट करने तक की ही हम प्याज को पका लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से भून लेना है। इधर हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक के पका लिया, देख सकते हैं हमारी प्याज का हल्का हल्का कलर भी बदलना शुरू हो गया। इस स्टेज पे यहाँ पे हमने इसमें गोश्त डाल देना है। यहाँ पे हमने हाफ के जी गोश्त दिया, आप चाहें तो चिकन में आते हैं, मटन में, जिसको हमने बनाना चाहते हैं आप जिस चीज़ में, आप उसमें इसको बना सकते हैं जिसमें आपको पसंद हो। इसको हमें हाई फ्लेम करके उसको भून लेना है, जब तक हमारे जो है गोश्त का कलर चेंज नहीं रहता है। इसी तरह से फ्लेम को हाई रखिए और हाई फ्लेम पर हमें इसको इसी तरह से इसको भून लेना है, कलर चेंज होने तक के। इधर हमने इसको गोश्त का कलर बदलने तक के भून लिया, आप देख सकते हैं हमारे गोश्त का कलर अच्छे से एकदम चेंज हो चुका है। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पे कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले नमक डाल देना है। नमक हमें अपने स्वाद अनुसार डालना है। यहाँ पे हम 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे अदरक और लहसुन लिया है और 3 जो है लाल सूखी मिर्चें ली हैं। इसको हमने अदरक लहसुन को क्रश कर लिया है। मिर्चों को जो है बीच में से 2 या 3 आप जैसी मिर्ची हो आप इसको तोड़ के डाल दीजिएगा। अदरक लहसुन को आप क्रश करके ही डालिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमारे खड़े मसाले का स्टू है इसलिए इसको आप काट के ही डालिए। और इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर आप जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून इसमें हम यहाँ पे कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। साबुत धनिया को हमने इस तरह से कूट लिया था, आप किसी चीज़ में इसको क्रश कर लीजिए, इसको आप पीस के मत डालिएगा। इसी तरह से डाल के हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। दही डाल देना है, दही डाल के भी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर हमें दही को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह पर टमाटर भी डाल सकते हैं। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप उसमें डाल लीजिए। आजकल टमाटर बहुत महंगे हुए हैं इसलिए आप दही डाल लीजिए, दही से भी बहुत ही मज़े का तैयार होता है। इसी के साथ ही हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त जो है बस गल जाए। इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके प्रेशर आने तक 2 प्रेशर तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेंगे। जब प्रेशर अपने से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। इधर हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे गोश्त का क्या हाल है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है और हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें इसको अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। इसको आप इसको जितना हो सके उतना आप इसको अच्छे से भून लीजिए। इसी के साथ ही इसमें हमें 4 हरी मिर्च डाल देंगे और कुछ पत्ते हम इसमें धनिया के डाल देंगे। डाल के इसको हाई फ्लेम पर हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इधर हमने फ्लेम को हाई कर लिया था और हाई फ्लेम पे हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक के इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद हमारा स्टू, खड़े मसाले का स्टू एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। इधर हमारा स्टू एकदम तैयार है, अब इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आप चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है। आपने देखा हो कितनी आसानी से बनता रहता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।